देखिए, बिलीवर का मतलब है मोमिन, साहब अकीदा. लेकिन मोमिन कैसे बनता है? एक मोमिन किस प्रोसेस के तहत वजूद में आता है, उसके लिहाज से देखा जाए तो बिलीवर वो है जिसको रियलिटी डिस्कवरी के दर्जे में मिली हो. सबसे बड़ी रियलिटी रब्बुल आलमीन है. तो ये बिलीवर बनना एक प्रोसेस का कल्बिनेशन है. आदमी पैदा होता है अकल के साथ, तो अकल एक ऐसी लिविंग मशीन है जो रात दिन सोचती है. नॉन स्टॉप थिंकिंग होती है आपके माइंड के अंदर. तो ये नॉन स्टॉप थिंकिंग चलती है इस सवाल पर कि हु एम आई, हु इज माई क्रिएटर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट इज बिफोर डेथ, व्हाट इज आफ्टर डेथ. ये सारे क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं, एक तूफान बर्पा करते हैं, यानी जिसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग. तो लंबी स्टडी, ऑब्जर्वेशन और कंटेम्प्लेशन के बाद वो कह उठता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा मैं तुझ पर यकीन किया, मैं तेरे पर ईमान लाया. तो इस प्रोसेस के तहत जो इंसान बनता है उसी को हम कहते हैं बिलीवर या मोमिन. मोमिन या बिलीवर इस तरह नहीं वजूद आता कि एक कलमा है उसको आपने रिसाइट कर दिया. नहीं, वो एक जल्दरखेज थिंकिंग प्रोसेस के बाद वजूद में आता है. और जो बिलीवर या मोमिन इस तरह बने उसी के अंदर वो सारे कैरेक्टर, वो सारी क्वालिटीज पैदा होती हैं जो मोमिन की क्वालिटी है.